हेलो तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल न्यू बटी गेम्स महक में दोस्तों एक बार फिर से हाजिर एक बहुत ही प्यारी सी बहुत ही नई सी गेम लेकर तो चलिए गेम शुरू करते हैं लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छे लग रहे ना तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर जरूर करना अपना प्यार जरूर दिखाना तो चलिए करना क्या है इस गेम के लिए आपको एक एक पेपर सारे किटी मेंबर्स को दे देना है ठीक है सर्कल बनाने हैं तो बना के जाइए अदरवाइज ऐसे भी लिखा जा सकता है अब हर एक किटी मेंबर क्या करेगा उसको आप ये दस सर्कल दोगे ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है उसमें से किसी भी पांच में उसको हेड लिखना है और किसी भी पांच में उसको टेल लिखना है तो मैंने केवल एच और टी लिखा है तो वो हेड भी पूरा लिख सकता है टेल लिख सकता है और ये सर्कल नहीं भी हो तो भी ऊपर किन्हीं भी पांच जगह पर उनको उसको हेड uh, लिखना है और किन्हीं भी पांच जगह पर उसको टेल लिखना है मतलब लाइन वाइज ठीक है यानी पांच हेड लिखने हैं पांच टेल लिखने हैं ठीक है थीके? उसके बाद आपको हर एक टीम मेम्बर को सिक्का दे देना है अभी क्या होगा और विनिंग कैसे डिसाइड होगी मैं बताऊंगी जैसे उसने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर हेड लिखा है ठीक है मैंने कहाँ कहाँ हेड लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर लिखा है और उसके अलावा बाकी सब जगह टैल लिखा है तो सीक्वेंस कोई कुछ भी रख सकता है सारे हेड ऊपर रख दो सारे टेल नीचे रख दो दो हेड ऊपर तीन टेल जैसे भी जिसकी मर्जी है उसको ऐसे करना है अब सबसे पहले खेलूँगी मैं इस हेड के लिए ठीक है अगर मेरा हेड ही आता है तो देखते हैं क्या होता है देखो हेड आया तो मुझे क्या करना है यहाँ पर एक राइट क्लिक कर देना है अब मेरा ये राइट क्लिक हुआ है ना तो अब मुझे वापस से इसी हेड के लिए खेलना पड़ेगा जब तक कि मेरा गलत नहीं आता ठीक है फिर से हेड आ गया तो फिर से मैं यहाँ पे राइट करूँगी और तब तक खेलूँगी जब तक कि मेरा टेल नहीं आता फिर से हेड आ गया और इसकी हाईएस्ट लिमिट जो है वो है देखो, टैल देखो टेल आ गया अभी टेल आ गया तो अब मैं इसके लिए स्टॉप कर दूँगी और इसके लिए खेलूँगी ठीक है अब वापस मैं हेड के लिए खेल रही हूँ तो देखो पहले ही टैल आ चुका है तो ये मेरा हो गया रोंग अब मैं टैल के लिए खेलूंगी ठीक है टैल के लिए देखो टैल आया तो मैंने राइट किया फिर फिर उछाला फिर हेड आ गया यानी यहाँ पर गेम ख़त्म मतलब ये वाले के ये वाले के लिए जो मैं खेल रही थी वो ख़त्म अभी फिर से हेड के लिए खेलूँगी टैल आ गया यानी रोंग आ गया यहाँ पर अब टैल के लिए खेलना है अब टैल चाहिए लेकिन हेड आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया अभी फिर से ये हेड लिखा है मैंने अब हेड आना चाहिए हेड आ गया तो यानी ये मेरा एक सही गया अब मैं इसी के लिए खेलूँगी जब तक के लिए आगे मैं गलत नहीं आता ठीक है तो अब ये मेरा टैल आ गया तो इसको छोड़ दूँगी अब मैं खेलूँगी इस टैल के लिए तो ये हेड आ चुका है तो यानी ये रॉन्ग अभी इस हेड के लिए खेलूँगी टैल आ गया यानी ये भी इसके लिए भी मैंने नहीं खेला अभी ये टैल के लिए खेलना है तो ये हेड आया है तो यानी ये भी गलत हो गया मेरा अभी फिर से टैल चाहिए तो टैल आ गया मेरा यहाँ पे तो एक राइट क्लिक कर दूँगी अब तब तक खेलूँगी जब तक के लिए फिर से टैल आया एक और राइट क्लिक किया मैंने फिर से टैल चाहिए फिर से उछाला एक और टैल आ गया फिर उछाला फिर टैल आया देखो ये किस्मत होती है ये बहुत अच्छी किस्मत होती है फिर से टैल आया लास्ट बचा था लेकिन उसमें ही मेरे इतने सारे आ गया फिर से टहल आया और अगर ये कंटिन्यू भी आता है तो उनको आपको बोलना है कि अच्छे से उछालो ठीक है तो इसकी जो हाईएस्ट लिमिट है ना वो टेन है टेन के बाद और वो नहीं चला सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो चुका है राइट एट राइट अभी हो गया गलत ठीक है अभी आ गया ये मेरा हेड ठीक है तो ये देखो अगर ऐसी किस्मत आ जाती है ना तो तो बहुत अच्छा तो आपके अब गिने जाएंगे राइट क्लिक जितने भी होंगे तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो मेरा स्कोर हो गया थर्टीन तो इस तरीके से जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो विन करेगा इसकी जो लिमिट है राइट करने की वो हाईएस्ट टेन है अगर टेन आपके राइट क्लिक्स हो जाते तो आपको डायरेक्टली आगे के लिए बढ़ जाना है ये तो लास्ट है लेकिन अगर यहाँ पर भी ये बढ़ जाता तो आप नेक्स्ट पर चले जाते अब हम उसके लिए नहीं खेलेंगे तो हाईएस्ट लिमिट टेन है टेन राइट क्लिक से ज़्यादा नहीं करना नहीं तो ऐसे अगर हम लिमिट नहीं रखेंगे तो, तो शायद होता ही जाए होता ही जाए और टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा तो फिर अब दूसरा की टीम मेंबर खेलेगा वो अपने हेड के लिए अपने टैल्स के लिए खेलेगा हर किसी के पास अपना अपना पेपर होगा जिसने जहाँ हेड लिखा हुआ वो हेड के लिए फिर टैल के लिए तो इस तरीके से उसको खेलना है तो जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो विन करेगा तो चलिए खेलिए आप भी सिक्का अच्छे से उछालना है आपको बोलना है ऐसा नहीं कि, कि किसी पोजीशन पे हेड आता ही जा रहा है और उसको हेड ही चाहिए तो वो वैसे ही उछाल रहा है तो थोड़ा सा बीच में उसको बोलना अच्छे से ट्विस्ट करके उछालें तो जैसे वो बाद में चेंज हो पाए ठीक है तो और ये गेम हाउस मतलब होस्ट भी खेल सकता है सामने वाले के लिए वो भी कर सकता है मतलब गेम इसकी हो लेकिन चलाए होस्ट वो भी हो सकता है लेकिन होस्ट हो सकता है थक जाए सबके लिए चला चला के तो हर कोई अपनी गेम के लिए चलाए तो ज़्यादा अच्छा है तो इस तरीके से ये बहुत ही नए तरीके की मज़ेदार गेम है तो चलिए खेलिए आप भी बहुत ज़्यादा आएगा मिलते हैं अब तक लिए वीडियो में तब तक लिए बाय बाय